समझ नहीं आ रहा कि पूरी दिल्ली जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर चल रही है, तो फिर इतना जाम कैसे लग रखा है आज। मैंने तो बाइक इसलिए निकाली थी कि रोडें खाली होंगी और चलाने में मजा आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। दिन भर की टेंशन खत्म करने के बाद मैं बाइक रात को निकाल रहा हूँ कि रात को आराम से बाइक चला पाऊंगा खुले में, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जो हम चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जाम कम होगा। छठे गियर पे डालते हैं इसे, तब ये आवाज़ थोड़ी सी कम करती है। तो कोरोना आंटी के कारण क्या है, आजकल वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, तो वर्क फ्रॉम होम ने क्या है परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। जो काम आधे घंटे में हो जाता था, अब वो काम पूरे पूरे दिन करना पड़ रहा है। पूरे दिन सुबह से जब से जगा हूँ तब से काम करने में हूँ, और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने कहा भैया अब मेरे से नहीं झेला जाएगा, बाइक निकालो चलते हैं ढाबे पे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि सुबह से माइंड जो है ना वो थक चुका है, मतलब दिमाग जो है एकदम भर चुका है काम कर करके। इस बत्ती पे पीछे ही खड़ी करना होता है, क्योंकि पीछे क्या है कैमरास लगे हुए हैं, और वो कैमरास आपको जैसे उस गाड़ी का क्या चालान कट गया होगा, स्कूटी का भी चालान कट गया होगा, क्योंकि अगर हम इस लाइन पे आ जाएंगे तो चलान कट जाएगा। कल भी आया था ना? नहीं मैं कल नहीं आया था। कल आया था? नहीं मैं नहीं आया था बेटा, कल तो मैं बाहर ही नहीं निकला, घर में ही था कल मैं। कोई और आया होगा बाइक? हाँ ये वाली। किसी और भाई की बाइक? बहुत बाइक है ऐसी दिल्ली में, किसी और भाई की बाइक होगी? तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा, बहुत सारी बाइक है ऐसी दिल्ली में। हाँ हाथ जल जाएगा, गर्म होगा वो। हाँ वो गरम होगा, इंजन है उसके ऊपर सारा गरम हो रहा होगा वो भी। ये लोया है। तो सुनैना को वापस देख करके काफी लोग खुश हैं, काफी सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं और काफी सारी बेस्ट विशेज आ रही है कि भाई सुनैना को वापस देख करके अच्छा लगा। और कसम से मुझे भी सुनैना को वापस देख करके बहुत अच्छा लगा। जब सुनैना को मैं लेकर के आ रहा था शोरूम से, तो मेरे हाथ और पैर ऐसे शिवर कर रहे थे। क्या फीलिंग थी उस समय मेरे अंदर, मैं उसे कसम से आपके सामने बयां नहीं कर सकता, लेकिन सच में बहुत खुशी हो रही है अपनी इस प्यारी सी बेबी को देख करके।
पहले ये बंदा हाई बीम पे चल रहा था, तो जैसे ही मैंने हाई बीम करी, क्योंकि मैं पहले लो बीम पे था, मैंने जैसे हाई बीम करी तो फिर ब्लिंकर मारने लग गया। और मैक्सिमम दिल्ली में यही होता है, आपको सिटी में हाई बीम पे चलने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये भी हाई बीम पे था, लो बीम पे आपका काम हो जाता है। अगर कहीं अंधेरा ज़्यादा है तो आप हाई बीम पे चलिए। ओह माय गॉड, ऐसा तो नहीं कि ढाबा बंद हो रहा है? ओहो हो, ढाबा तो बंद हो रहा है। पाजी बंद करके जा रहे हो क्या? सबके बंद है जी। सबके बंद है। कोरोना आ गया आदेश, कोरोना कोरोना। अरे यार हम तो सोच रहे थे कि आपके हैं आदेश आ गए कि करो ना बंद करो ना। कैसे हो? अरे अभी प्रशासन से सर्कुलर आया ना। आया है सर्कुलर? अच्छा, वो जगह जहाँ गैदरिंग होती है उसे। अच्छा जी, हमें तो लगा खाने वाली जगह खुली रहेंगे। अभी यही आया जस्ट, तो ये तो हमारा जग सुना सुना सा हो जाएगा अगर ढाबा बंद हो जाएगा तो। मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, इन शॉर्ट एक नागरिक के नाते सब कुछ बंद कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है 22 तारीख के बाद से, संडे से मतलब। हाँ, आप सुबह 7 बजे से घर से बाहर नहीं निकल सकते। ओ तेरी, पालन करना पड़ेगा आपको। पता कैसे राइड कर सकते हैं? आप लगाओ बाइक को पैडॉक स्टैंड पे, पूरी 299 लगेगी, लोग 25-30 सेकंड का होल्ड, और आप 10 मिनट का होल्ड दिखाओ और रिकॉर्ड तोड़। और हल्की सी भी अगर आगे बढ़ गई यार, देखो या तो फिर आपकी टिकट कटेगी या बाइक की टिकट कटेगी, अब आप सोच लो किसकी कटवानी है। ऐसे में तो दोनों की कटेगी। देखो बाइक का इंश्योरेंस है, बाइक रिपेयर हो जाएगी, अपना फर्नीचर के आप जिम्मेवार हो भाई। कुछ ढूंढ यार, भूख लग रही है। आप वेजिटेरियन हो? हाँ। फिर नहीं, नॉन वेजिटेरियन तो मैं पक्का अभी अभी कभी तोड़ देता आपको। मिलता तो वहाँ पे वेज भी तो मिलता होगा कुछ ना कुछ? नहीं, नहीं मिलता। देखो पास में है जंगल, जंगल में करेंगे शिकार। हिम्मत है तो चलो साथ में। ना ना ना, ढाबा बंद हो गया, अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है यार। एक पहले एक बात बताओ मुझे। हाँ। ये राइड करने के लिए सुपर बाइक लेनी जरूरी है? हाँ। ये सवाल जिससे किया जा रहा है वो जवाब खुद दे देगा। जनता जवाब मांग रही है। मतलब आज मैं बुलेट के लिए आया, मतलब भूल गए मेरे को यार। अच्छा। वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जज्बात पलट दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो इसे, मारो इसे। इसी ने ढाबे का प्लान बनाया है। ढाबे से बंद किया करो, बैटरी फूट जाएगी। भूल जाता हूँ वैसे, मैक्सिमम बंद कर दो। आपको थंबनेल मिल जाएगा कि नहीं? रास्ते में हुई बैटरी खराब, नहीं बाइक बंद। 15 लाख रुपए की बाइक पे 1 लाख रुपए का चूना। 1 लाख? मजाक में बोल रहे? अच्छा। आप बोलने वाले क्या नहीं बोल देते? बैटरी के साथ कॉइल भी ले लो। यहाँ पर कुछ शॉप्स खुली हैं, तो मे बी यहाँ कुछ खाने को मिल जाना चाहिए। पेट एकदम पैक हो गया है और अब जा रहे हैं यहाँ से बंगला साहिब, वहाँ पे चाय वाय पियेंगे थोड़ी सी। बंगला साहिब के पास ही घर है, बंगला साहिब से चाय पी के घर को निकलेंगे। छोटी सी राइड हो गई, मज़ा आ गया, थोड़ा सा माइंड अभी रिलैक्स फील कर रहा है, तो घर जाके फिर से काम कर सकते हैं। आप अच्छा लग रहा है ना बाइक राइड करके? रात में ये एरिया जो है इतना बढ़िया और सुंदर लगता है ना, वो सामने देखो 11 मूर्ति हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, और कहीं फव्वारे चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, और रोड्स पे लाइट ही लाइट है। तो सबसे बढ़िया और प्यारा एरिया ये लगता है, और चारों तरफ जो है यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, तो हवा भी मतलब। और दिल्ली में आप कहीं चले जाओगे तो वहाँ पर
मौसम थोड़ा नॉर्मल होगा यहाँ पर आपको ठंडा जरूर मिलेगा। आज 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 सो एक छोटे में हमारे पीछे पड़ गए थे। अब फ्रैंक भाई चाय वाले का पता पूछ रहे हैं कि चाय वाला कहाँ बैठता है। ओहो ये है चाय वाला यहाँ पर। तुम फोटो के चक्कर में ना ये चाय दोनों की दोनों ठंडी करवाओगे आज। ये बंदा ये देख रहे हो कब से कैमरा पकड़ा हुआ है, तब से अभी तक तो ये एक ट्रेलर है कि ये लगा हुआ है लगातार लगातार फोटो ही खींच रहा है। भाई हुई फोटो? वाह 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 बिल्कुल अच्छी नहीं आई। अभी एडिट वाला अपनी बाइक पे अच्छी आती फोटो। हाँ तो अभी बंगला साहिब पहुँच गए और यहाँ पीछे की तरफ कुछ चाय के कुछ स्टॉल है तो कुछ हल्की सी चाय की चुस्के ले रहे हैं क्योंकि सुस्ती सी चढ़ रही थी बहुत भयंकर। चाय बेहतरीन बनी है और ऊपर से कुल्हड़ में मजा आ गया। ओ भाई बिल्कुल ठंडी हो गई है चाय, बिल्कुल ठंडी हो गई है। ओ ओ हेलो चाय ठंडी हो गई बिल्कुल, हो गई नहीं होगी ठंडी लेकिन अच्छी चाय है। चाय बढ़िया मान पिछली बार बंदा केक के लिए लेके मुझे लग रहा था केक की तरह ना कटवा दे लेकिन वाकई चाय अच्छी है। ये देखो बंदा फिर से चालू हो गया, मतलब चाय के दो घूंट मारे हाय हाथ नहीं चल रहा। ओ हेलो भाई गिरा मत देना उसमें चाय, वो एयर इनटेक है चाय इनटेक करनी है। तो अगर रात को आप लोग भी चाय के शौकीन है तो यहाँ पर आ सकते हैं, पीछे मेरे आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया और बेहतरीन और प्योर दूध की चाय। हाँ 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 क्या हो गया बेटा क्या हो गया? भाई साहब दिल्ली में कुत्ते जीना आराम कर देते हैं, सच बताऊं कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया था इसलिए एकदम से तेज भगानी पड़ी क्योंकि जैसे ही चालू करता वैसे ही वो पैर पकड़ लेता था बार बार, और एक नहीं चार पांच कुत्ते थे। एक और आया 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 एक और आया। एक और आया सो टाइम हो गया अभी कुछ 11 बज गए रात के और अब चलते हैं फटाफट से घर को। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जैसा भी लगाओ, अच्छा लगाओ बुरा लगाओ जैसा भी लगाओ, कोई नॉर्मल ब्लॉग था कोई ज़्यादा ब्लॉग में था नहीं क्योंकि दिन भर मेरा काम में निकल गया और रात को जा करके मैं ब्लॉग के लिए टाइम निकाल पाया, मतलब एज इट इज़ ब्लॉग के लिए टाइम नहीं निकाला था मैं एज अ राइडिंग करना चाहता था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से हो रहा था कि भाई मुझे राइड करनी है भाई किस समय, क्योंकि माइंड जो है दिमाग जो है एकदम भर चुका था बुरी तरीके से तो इस कारण से मैं राइडिंग करने निकल गया था। तो मैंने सोचा जब राइड ही कर रहा हूँ तो क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर लिया जाए। तो मे भी व्लॉग जैसा भी लगाओ, व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो डिसलाइक कर देना जैसा भी आपका मन करे। मैं फिलहाल इस व्लॉग का एंड करता हूँ और आप लोगों से एक ही गुजारिश है कोरोना से बच के रहें, एक दो हफ्ते की बात और है उसके बाद सब सही हो जाएगा सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इसी विश के साथ इस व्लॉग का एंड करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज यश कुमार, बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और देखो अब नेक्स्ट व्लॉग शूट करने का टाइम कब मिलता है, कब मैं बाहर निकल पाता हूँ, इस समय मोस्टली बाहर निकलना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय।